नटखट, अभी लास्ट में तू ही बची है। अभी क्या घूंघटा डाल के खड़ी है, चल घूंघटा उठा। यही है मम्मी। जेठालाल सुंदरलाल भी नहीं है और पकड़ बैलू भी नहीं है। सुंदर कहाँ गया? सुंदर का फोन। सुंदर कहाँ तू? सामने आ। आता हूँ पर अब पहले मेरे बापूजी से बात करवाई है। बापूजी बात नहीं करेगा तो मुझसे बात कर। अरे बात क्या कर, मेरे सामने आ तू। आऊंगा, आपके सामने जरूर आऊंगा, और पहले आप मेरे बापूजी से बात करवाई है। बापूजी सुन रहे हैं, बोल। हाँ बोल, सुन ले। बापूजी मैं जानता हूँ आपको, माय डियर जीजा जी को और पूरे गोकुलधाम वासियों को मुझ पर बहुत गुस्सा आया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। हाँ बराबर है, और तूने ऐसा क्यों किया? मैं वही आप सब लोगों को रूबरू में बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप माय डियर जीजा जी को समझाइए कि मैं सामने आऊँ तो माय डियर जीजा जी मुझ पर गुस्सा ना हो, मेरे साथ हाथापाई ना करे। अरे हाथापाई क्या माता तेरे? देखा 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 आपने। अरे क्या बापूजी है? नहीं सुंदर, जो भी है तू सामने आके बात कर, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। थैंक यू बापूजी, मैं आता हूँ। माय डियर जीजा जी। मुझे सिर्फ इतना बता, तू अपने साथ दया को क्यों नहीं लेके आया? हाँ बताता हूँ माय डियर जीजा जी, मैं तो बेना को लाना चाहता था। बेना भी गोकुलधाम में आना चाहती थी। बेना आप सब लोगों को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है आप लोगों को, लेकिन बेना की एक मजबूरी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। अरे ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? हाँ नवरात्रि है, इसलिए माँ और बहना माताजी के मंदिर यात्रा के लिए गई है। जब देखो तब यही एक ही कारण यात्रा पे गए। अरे आज तो कम से कम कोई नया कारण दे। इस बार ये नया ही है। बहना और माताजी की पूजा करने के लिए गए हैं, और ये कोई आम पूजा नहीं है, बहुत ही खास पूजा है। और ये पूजा परिवार रिश्तेदारों की खुशी के लिए की जाती है। मुझे पता है अभी भी आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ, माताजी की कसम। अरे तो ये बात तू बस से उतरा तभी भी बता सकता था। ये बहनों के साथ खेल क्यों खिलाया मुझे? हाँ आपकी वजह से। क्योंकि मुझे पता चला कि अगर बेना यहाँ गरबा खेलने नहीं आएगी तो आप गरबा नहीं खेलोगे। आप गरबा नहीं खेलोगे तो माय डियर भांजा टप्पू और बापूजी भी गरबा नहीं खेलेंगे, और उसकी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम मायूस हो गई थी। और ये गरबा के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में इस गोकुलधाम सोसाइटी में लोग मायूस हो जाए और गरबा ना खेले, ये सुनकर तो मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। नवरात्रि के इस पावन पर्व में गोकुलधाम में खुशियां भर जाए, गरबा की धूम मच जाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और माय डियर बहना के बगैर गोकुलधाम की नवरात्रि फीकी ना पड़ जाए, इसलिए मुझे मेरी दूसरी बहनों को भी लाना पड़ा। जेठाप्रा, सुंदरप्रा का इरादा तो नेक था, उसने जो कुछ भी किया हम सबकी खुशी के लिए किया यार। जेठा भाई, आज दया भाभी नहीं आई, इस बात का दुख हम सबको है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज गोकुलधाम में गरबा खेलने का बहुत मजा आया। ये बात तो है, अगर सुंदरलाल जेठालाल को नहीं माना था तो हम में से कोई गरबा नहीं खेलता। हम सभी दुखी हो जाते, लेकिन सुंदरलाल की इस खेल की वजह से हम सबने बहुत अच्छे से नवरात्रि खेली। सही बात है सुंदरलाल, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे लगता है माय डियर जीजा जी अभी भी मुझसे और बहना से नाराज है।